स्वागत है आपका प्लम्बर सोड आरेखन चैनल में। फ्रेंड्स, आप लोग को बताऊंगा कि मेरे हाथ का काम कैसा होता है, एक बाथरूम में कैसा काम होता है, एक पाइप फिटिंग कैसा होता है, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा सबको सबसे पहले आपको देखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बात बोलूँगा, वीडियो अंत तक देखिए तो आपको पूरा पूरा इंपॉर्टेंट जो बात है बाथरूम के अंदर समझ में आ जाएगा, बाथरूम फिटिंग का डिटेल्स क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी मैंने कैसे फिटिंग किया, पूरा पूरा बाथरूम को कैसे फिटिंग किया हूँ। ये देखिए, बस शावर का वो टुकड़ा लगाना बाकी है, लगा देता हूँ, ज्वाइन करना बाकी है, समझो सेम उसी जगह पे आएगा। उसका जो पोजिशन ऐसे है आपके सामने, पूरा पूरा फिटिंग किया देख सकते हो। इसका मैं डायग्राम पहले जैसे बनाया था वैसे ही किया हूँ, और मैं पूरा जब घावड़ा पैक करूंगा पूरा लेवल देख के पैक करूंगा। अब देखिए, इसका ये है कि गीजर का ये उस साइड से इनलेट है और आउटलेट है, ये गर्म पानी का पॉइंट है और ठंडा पानी का पॉइंट है। जो गीजर का इनलेट है वो खारा पानी का, मतलब सोल्ट वाटर का पॉइंट है, जो बोरिंग का नीचे से आता है, कहीं 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 सोल्ट होता है, कहीं कहीं नॉर्मली रहता है। और फ्लास स्टेप का जो अपना इधर से जाकर कमोट का फ्लास के लिए आएगा, दूसरा एक कंसिल स्टेप का जो कमोट का पिचकारी के लिए आएगा, जो कमोट का स्ट्रीट में सेटिंग रहता है। तीसरा एक नल एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि यहाँ पे 2-in-1 विप कॉक लगा सकते हैं, यहाँ पे हेल्प सेट के लिए लगा सकते हैं, ये वाला पॉइंट के लिए, नीचे वाला पॉइंट के लिए। अब देखिए, बाद में ये जो ऊपर अपना ऊपर का तो गर्म पानी मैं देखा हूँ, ऊपर का गर्म पानी है, ये आके लेफ्ट साइड से अपना इनलेट हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं टाइट करता हूँ तो इसका लेफ्ट हॉट कोल लिखा हुआ रहता है, उसको दिखाऊंगा। यहाँ पे अब एच लिखा हुआ देख सकते हो, हॉट ठीक है, मैं दिखाया था यहाँ पे स्पाउट का नीचे स्पाउट का साउर लिखा रहेगा, साउर का ऐसा ही साउर लिखा हुआ रहेगा देख सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे करना पड़ेगा क्योंकि लेवल मिला नहीं और इतना हाइट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं पकड़ पाया, डायरेक्ट गर्म पानी नहीं मार सकता, इतना ज्यादा हाइट हो जाएगा तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक स्टैंड राइट में लिया हूँ। उसके बाद में हेलो वाले घुमाया हूँ और नीचे से लेके जाके अपना बेसिन का पॉइंट के लिए मान लिया हूँ, क्योंकि बट स्टेप ओवर बैंड लग जाएगा इसके लिए, मैं नहीं क्यों, ये अपना डायबिटर है, यहाँ से ठंडा इनलेट हो रहा है और गर्म राइट लेफ्ट साइड से इनलेट हो रहा है, और इसके ऊपर सावर जा रहा है, इसमें सावर यहाँ लिखा हुआ रहता है, मतलब ये जो जगह है मैं आपको दिखाऊंगा, जब टाइट करते हो मैं आपको दिखाऊंगा, वो जब टाइट किया था मैं उसको वीडियो बनाया हूँ। अब नीचे से स्पाउट जाता है, यहाँ पे स्पाउट का पॉइंट है जो डोल भरने के लिए आएगा, और बेसिन का इनलेट पॉइंट आउटलेट पॉइंट में डाला नहीं हूँ। अब देखिए, पाइप जब फिटिंग करते हो, पाइप का एक दूसरे पाइप के बीच में कितना स्पेस है आप देख सकते हो, गैप है बहुत, क्या ना, मैं बहुत जगह पे देखा हूँ कंसल्टेंटिंग अपने एक्सपीरियंस में, मैं खुद काम करते हुए कभी भी देखा हूँ, दूसरा कारीगर लोग का, दूसरा आदमी लोग का, दूसरा जो एजेंसी होती है उसमें यह ना स्पेस बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे कहा ना एक उंगली, मतलब दो पाइप का फिटिंग का स्पेस होना चाहिए, कहीं भी दो पाइप के बीच में, कभी भी दो पाइप में कभी कुछ करना हो जिससे डबल पाइप में दो पाइप में फिटिंग लग सके, फिटिंग जितना जा रहा है दो पाइप इजीली लग सके, कोई दिक्कत ना आए। तो घबड़ा पिक करने के टाइम में ऐसा करें कि दो पाइप में अच्छा से गैप दे, 10-15 एमएम का गैप दे लगभग मिनिमम के ऊपर, क्योंकि गैप दे तो बाद में कभी भी काट के कुछ करना तो कर सके, दूसरे पाइप में दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, इसका फिनिशिंग मैं दिखाऊंगा कुछ दिन के अंदर, देखिए ये फिटिंग कैसे हुआ है देखिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। इसका फिनिशिंग मैं दूसरा वीडियो में डालूंगा और इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आ जाएगा। अगर इस काम में कुछ फॉल्ट है तो बताइएगा, बस डब्ल्यूसी का पाली बनना बाकी है, उस वाले में डब्ल्यूसी का पाली बनेगा, वहाँ पे बस पाइप फिटिंग कंसिल पाइप फिटिंग होगा, सिर्फ एक पॉइंट सेटिंग होना बाकी है, और वहाँ पे अपना जो पिचकारी का पॉइंट है उसको सेटिंग करना बाकी है। जब पाली बनेगा वो काट के एफटी लगा दूंगा और वहाँ पे एक एल्बो लगा के आड़ा निकल जाएगा पॉइंट सेटिंग करके। कहाँ जा रहे हो यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फ्रेंड्स, ये सावर का पॉइंट को चिपका दिया हूँ देख सकते हो, ब्रास एल्बो में चिपका दिया हूँ ठीक है, ये पूरा ऊपर एक डोरी में, ये स्पॉट का पॉइंट, डायवेटर का पॉइंट और ये सावर का पॉइंट पूरा ऊपर सेंटर में। देखिए, इस बाथरूम का पाड़ी बन गया है, यहाँ से मीठा पानी का लाइन बाजू वाले बाथरूम में गया है। देखिए, यहाँ पे जो पीला कलर का पाइप है कंसिल को लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में ये वाला मीठा पानी का कॉक है और राइट साइड में व्हाइट पाइप वाला पाइप है, ये फ्लश कॉक है। देखिए, जो बाथरूम में काम करता है इसका पाड़ी बन गया, प्लस चंद्र प्लस्टर हो गया। देखिए, इसका बेसिन का वेबसाइट भी डाल दिया हूँ देख सकते हो, फ्लोरिंग में लेवल में डाल दिया हूँ। देखिए, अब देखिए सावर का हौज में कुछ बड़ा ही गावड़ा, इसलिए अभी पैक नहीं हो पाया, कल बाद में पैक होएगा। देखिए, डब्ल्यूसी का पॉइंट भी